स्टूडेंट, आज हम क्लास नाइन्थ का फोर्थ चैप्टर का रिवीजन करेंगे। मैं इसको शॉर्ट रूप में यहाँ पे पढ़ा रही हूँ आपको। पाठ का सारांश है, प्रस्तुत पाठ वेताल पंचवंशति नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। इस कथा में हिमालय पर्वत के शिखर पर बसे कंचनपुर नामक नगर के राजा जीमूत केतु के पुत्र जीमूतवाहक, जो कल्प वृक्ष की कृपा से उत्पन्न हुआ था, की उदारता का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि परोपकार ही सर्वोत्कृष्ट एवं चिरस्थायी तत्व है। मंत्रियों की सलाह के अनुसार एवं अपने पुत्र जीमूतवाहक के गुण पर प्रसन्न होकर राजा जीमूत केतु युवावस्था में स्थित अपने पुत्र का युवराज पत्र पर अभिषेक कर देते हैं। मंत्रीगण उसे कुल कर्म से प्राप्त घर के उद्यान में स्थित कल्प वृक्ष की साधना करने की सलाह देते हैं, क्योंकि वह वृक्ष समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला है। परंतु सोच विचार करने के बाद युवराज जीमूत वाहन अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि इस संसार में सब कुछ पानी की तरंगों के समान नष्ट होने वाला है, केवल परोपकार ही अमर यश प्रदान करने वाला है। अतः मैं परोपकार करने के लिए कल्प वृक्ष की साधना करूँगा। पिता के ऐसा ही करो आदेश पर कल्प वृक्ष के पास गया। वृक्ष ने अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। प्रार्थना सुनकर कल्प वृक्ष ने स्वर्ग में उड़कर वहाँ से पृथ्वी पर इतना धन बरसाया कि सबकी निर्धनता दूर हो गई। इस प्रकार प्राणियों पर दया करने वाले जीमूतवाहक का यश हर जगह फैल गया। अब हम यहाँ पर पाठ स्टार्ट करेंगे। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। एक हिमवान भूमि के सभी रत्नों में से ज़्यादा महत्वपूर्ण हिमवान नाम का एक पर्वत था। तस्य सोना ऊपरी विभाति कंचनपुर नाम नगर है। उसके ऊपर कंचनपुर नाम का एक नगर था। तत्र जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधर पति वसति स्म। वहाँ पर जीमूत केतु नाम के श्रीमान यानी कि जीमूत केतु नाम का एक रहता था, जो कि विद्याधर का पुत्र था। तस्य गृह उद्याने कुल कर्मागृह कल्प वृक्ष कल्प तरु स्थित है। उसकी कुल परंपरा के अनुसार उसके घर के अंदर एक कल्प तरु था, यानी कि कल्प का वृक्ष था। राजा जीमूत केतु तम कल्प तरु। राजा जीमूत केतु कल्प तरु की आराधना करते थे। तत्प्रसादेन च बोधि संचाभव्य जीमूत केतु नाम पुत्र प्राप्नोति। और इसी कल्प वृक्ष की पूजा करते हुए उसके प्रसाद के रूप में राजा जीमूत केतु नाम ने एक पुत्र की प्राप्ति की। जीमूत केतु नाम के एक पुत्र की प्राप्ति की। स जीमूतवान महान दानवीर सर्वभूतान अनुकंपी। और वो जो महान जीमूत केतु था, वह महान और सभी पर दया करने वाला और महान दानवीर था। तस्य गुणे प्रसन्न सौविचरित प्रेरित राजा कालेन संप्राप्त यौवनस त युवराजे अभिषेकम। और जीमूत केतु था, वो इतना ज़्यादा अच्छा था कि उसके गुणों से प्रसन्न होकर जो उस राजा के मंत्रीगण थे, उन्होंने उसका राज्याभिषेक कर दिया था जीमूत केतु का। कदाचित हितेषण पितृ मंत्री युवराज स्थित जीमूत केतु वाहन उक्तवान है। और जो उस जीमूत केतु के पिता के जो कुछ हितेशी थे मंत्रीगण, वो उस जीमूत वाहक को बोलते हैं कि युवराज योग्यम सर्वकार कामद कल्प तरु तव उद्याने तिष्ठतम। के सभी कामनाओं को पूर्ण करने में योग्यता रखने वाला कल्प तरु आपके उद्यान में स्थित है। तव सदा पूज्य, तुम्हारे द्वारा उसकी हमेशा पूजा की जानी चाहिए। अस्मिन कुले स्थित सती का शक्रोपि अस्मान बंधितु न शक्नोतु इति। हमारे कुल में स्थित है और इसकी हमें पूजा करनी चाहिए। जब भी हम जो है किसी भी प्रकार के शत्रुओं से जो है पराजित नहीं होंगे और हमेशा आगे बढ़ेंगे, अगर हमने इस वृक्ष की पूजा
की तो अब ये जो है यहाँ पे इसी का हिंदी दिया हुआ है, जो पहले हमने चैप्टर पैराग्राफ पढ़ा था उसी की यहाँ पे हिंदी दी हुई है। फिर इसके आगे है तत् अकारण जीमूतवाहक चिंतयति, और ये सुनकर के जो जीमूतवाहक है वह सोचने लगा अहो ईदृशम अपर अमर पादप प्राप्ति पूर्व पुरुषे अस्माकम तादृश फलम, के हम जो है इस अमर पादप की पूजा क्यों नहीं करते हैं, इससे फल प्राप्त क्यों नहीं करते हैं, ऐसा वह सोचने लगता है। किंतु केवलम कश्चित देव कर्पण है कश्चिदपि अर्थम अनर्थ है, और वो सोचने लगता है कि क्यों हम इसकी पूजा क्यों नहीं करते हैं, हम इसे बेकार में ही ऐसे क्यों खड़ा कर रखा है, अगर ये सब कुछ कामनाओं की पूर्ति करने वाला है तो हम हमारी जो भी राज्य की समस्याएं हैं वो इसको पूजा करके उससे दूर क्यों नहीं कर सकते। तदा अहम अस्मात कल्पतरु अभीष्ट साधयति इति, और इस कल्पतरु के द्वारा उन सभी इच्छाओं को साध क्यों नहीं लेते, पूरा क्यों नहीं कर लेते हैं। एवं लोचयाम तो पितु अंतिकम आगच्छत, ऐसा सोच करके वह अपने पिता के पास जाता है। आगत्य सुखीन मासी ने पितरम एकांत नव निवेदनम अस्ति निवेदनम तात त्वं तु जानेति एव अस्मिन् संसारे आशरीरम इदम सर्वे धनम विचते चंचलितम, के हे पिताजी आप तो जानते हैं कि संसार में जो है सब कुछ नश्वर है, ये शरीर भी नश्वर है, लेकिन केवल जो परोपकार है वो कभी नष्ट नहीं होता है। एक परोपकार अस्मिन् संसारे अनश्वर है, एक परोपकार ही है जो संसार में नष्ट नहीं होता है। युगा पर्यंत यश प्रसूते, और उसकी जो युग पर्यंत तक उसकी बातें चलती रहती है। तद अस्मिन् ईदृश्य कल्पतरु किमर्थ रक्षत है, और ऐसा कहकर के वह कल्पतरु के बारे में बात कहता है कि ये कल्पतरु की रक्षा हमने क्यों की है। यस्य पूर्वे मम इति आग्रह रक्षिते ते इदानी कुत्रम गता, अगर उन्होंने इसकी पूजा की थी, इसको लगाया था, तो अब वह सब कहाँ चले गए, वह सब तो ऊपर चले गए हैं, ये वृक्ष यहाँ रह गया है, तो हम इसकी पूजा क्यों नहीं करते हैं। अस्य वा के ते अब हम इसका क्या फ़ायदा है। तस्मात परोपकार फल सिद्धे तत्वा हम इदम कल्पत्र पादपा आराध्यम, कि क्यों ना हम अपने फलों की इच्छा की पूर्ति के लिए इस कल्प वृक्ष की पूजा करें, ऐसा वह अपने पिता से कहता है। कौन जीमूतवाहक, फिर जब वो ऐसा कहता है तो उसके पिता उससे क्या कहते हैं आगे कि अध पितम इति अनुज्ञा स जीमूतवाहक कल्पतरु उपागतम उपागम में उच्चाव देव त्वा अस्य मुपूर्वेशा अभिष्टा कामापूर्ति तस्मेक काम पूर्या, कि जो है हे जीमूतवाहक कहता है कि कल्पतरु से कि हे देव तुमने मेरे जो पूर्वज हैं उन्होंने तुम्हारी पूजा की थी, तुमने उनके दुख दर्द दूर किए, अब मैं चाहता हूँ कि जो है पृथ्वी अदरिता पश्चिमी में पृथ्वी को दरिद्रता से रहित देखना चाहता हूँ, तो आप ऐसा कर दीजिए। एव वादरी जीमूतवाहक त्वाग त्वया एशाम ये तो उस्मीन है, और यह बातें वह जो है वो कल्पवृक्ष है वो सुनने लगता है। इति वाक्यम तस्मात तरह अद्भुत, और वह जो है सुन करके बहुत प्रसन्न होता है कि ये जो राजा है यह पृथ्वी के कल्याण के बारे में मुझसे कुछ मांग रहा है। इसके पश्चात वह अनुमति प्राप्त किए हुए जीमूतवाहक वृक्ष के पास जाकर बोला कि हे देव जो है आपने हमारे समस्त जो हमारे समस्त देव पूर्वज थे उन्होंने आपकी पूजा करी थी, तो आप जो है हमारे
पृथ्वी के समस्त जीवों पर दया अनुकंपा करे। इसके बाद में वो जो वृक्ष होता है वो क्या करता है कि ना उसकी बात को मान करके वह ऊपर चला जाता है, वृक्ष जमीन से निकल के ऊपर चला जाता है और ऊपर जाकर इतनी वर्षा करता है जिससे कि जो है उसका जो भी राज्य का अकाल था, जो गरीबी थी वो नष्ट हो जाती है, खूब अच्छी फसल होती है और उस फसल से जो है वो राजा जो है बहुत अत्यधिक धन कमाता है और उसकी जो प्रजा होती है उसको भी बहुत फ़ायदा होता है और इस तरह से जो है उसके राज्य की गरीबी नष्ट हो जाती है। तो इस तरह से परोपकार की जो यश और कीर्ति है वो हमेशा चलती रहती है, शरीर तो नश्वर है, इस तरह से इस पाठ में हमें बताया गया है। थैंक यू।